इस तरह का एक डिपार्टमेंट हो गए, बाकी के सारे डिपार्टमेंट उन्होंने कोऑर्डिनेट कर, एको डिपार्टमेंट डील करे इन सिंगल, खास तौर पर वो इंडस्ट्रियलिस्टा जिन्हों का पेमेंट का रिकॉर्ड ठीक है, जिन्होंने इंडस्ट्री के वक्रे वक्रे महकमे बहुत सारे डिपार्टमेंट जिम्मे कुछ नाम भी लेगा मैं सारे। स्टील प्राइसिस का स्टेट का मैटर नहीं है, स्टील प्राइसिस 12% ब्याज दिता जाए क्योंकि असि बैंक को वध रेट क्राइसिस निकल रही है, एडवांस कंजम्पशन डिपोजिट पहले ही दिता हुआ है जे लेना। जीएसटी पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने जिदे ज्यादा बिल होगा जेडे दो साल एवरेज आएगी ओदा 1.5 जेडा रॉ मटीरियल जीएसटी 18% है ब्लॉक हो जाता है, इन पैरिटी लेवल की लोड़ है ताकि रिफंड अपने डिपार्टमेंट असी सिंकिंग फंड दे विच पैसे पाउण लग गए, पंजाब सरकार ने देने नहीं, रिजर्व बैंक को तकरीबन 2000 करोड़ का सिंकिंग फंड पे जो मर्जी मैक्सिमम दोस्तों मत समझना कि ए मेरी वजह नाल होया, ए मेरी वजह नाल नहीं होया, परमात्मा ने पंजाब की एक खास तकदीर लिखी, पंजाब एक मुनव्वर तकदीर रखता है और परमात्मा पंजाब के रस्ते के कंडे आप आगे चुक के लै जाता ताकि पंजाब के रस्ते चो कंडा ना हो, यह परमात्मा ने साडी किस्मत लिखी है, वरना यह किवें हो सकता है कि जेड़ा सूबा 1947 दे विच 2 लाख हो गया हो इंडिया का नंबर 1 सूबा किवें बन सके, जेड़ा सूबा 1966 दे विच 2 लाख हो गया हो फिर नंबर 1 का सूबा किवें बन गया, जेडे सूबे दे विच एक ऐसी काली सिया रात आई 26,000 साडा बंदा कतल हो गया, जेडे साडे देश दे दुश्मन सीगे उन्होंने साडे ते हालात मुसल्लत कीते, 8,000 साडा पुलिसमैन शहीद हो गया, IAS IPS शहीद कर दिते गए, वो सूबा फिर अपने पैरां ते कियां खड़ा हो गया, जेडे सूबे दे खिलाफ मैं एक गल कहनी नहीं चाहुंदा, स्पेशल कंसेशन दित्तियां गईयां हिमाचल ते कश्मीर ते उत्तराखंड, वो सूबा जिंदा किवें रह सकदा है, आ जीएसटी का निजाम आया 25% साडा सारा स्टेट का रेवन्यू क्योंकि वैट लगता सी फूड ग्रेन ते वो कंज्यूम हो गया, असीं फिर जिंदा है कि परमात्मा का एक खास करम है पंजाब ते, और मैं अज ये जरूर कह के जाऊंगा कि मेरा दिल इस गल की गवाही देने तैयार है कि जिस रस्ते से जिस नगर से असि तुरे हैं कि पंजाब नू दुनिया की कोई ताकत पिछे नहीं, मैं सारी दुनिया घूम के देखी है, पंजाबी नाल दा मैनू कोई टेक्नीशियन कोई मकैनिक कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब के नाल दा मैनू कोई इत्थे नहीं मिल, और मैं थोनू यह भी गल कह के जावांगा कि अकल जेड़ी होती है अकल तो किराए से मिल जाती है, अकल तो जेड़ी है फुल मिल जाती है, मैं फाइनेंस का मिनिस्टर है मैं टेक्नोलॉजी बारे की पता है, मैं इंजीनियरिंग बारे की पता है, मैं एग्रीकल्चर बारे की पता है, मैं साइंस बारे की पता है, पर यह जी मुशावरत है अकल है ये तो किराए से पाओगे ऑक्सफोर्ड का हार्वर्ड का वॉटर का बंदा रख लो, एंड जेडे एक्सपर्ट होंगे दे कैन प्रेस द मोस्ट कॉम्पलैक्स प्रॉब्लम इन टू अ यस और अ नो, लीडर ने तो या हां बोलनी है या ना बोलनी है, ए लीडर ने कॉल लेनी है, बाकी सारिया चीजा तो बड़िया बनाई पी मेनू बड़े लोग, और मैं क्योंकि ये गल चल पी अज मैं तो टैक्स के मुतलक अच गल करना आया सी, मैनू बड़े लोग पुछते हैं कि कांग्रेस ने साडा की
कांग्रेस पार्टी ने साडा 1947 जो भारत आजाद होया तो पंजाब सरकार के की हालात सके आ मेनु तुसी मेमोरेंडम दिता है और ये मेमोरेंडम नाल एक पिन लग्या है आ दो कागज रखी है क्योंकि ये दरम्यान एक पिन है और पिन की कीमत होनी है एक दो पैसे होनी है गवर्नमेंट को एक पिन खरीदने वास्ते भी पैसे है नहीं सी पिन भी सरकारी अफसर जेड़े है ये जो सवेरे दफ्तर आते दफ्तर तो पहला जेड़िया किकरा नहीं होंदिया किकरा दिया सूला होंदिया सूला चुक के लिया कंडे चुक के लिया कंडिया फिर कागज नती होंगे गवर्नमेंट पंजाब और यही कांग्रेस पार्टी है जिन्हें की कंडिया तो चक के मुल्क एटमी ताकत बनाया तो कांग्रेस पार्टी की कोशिश का पीएयू बनिया भाखड़ा डैम बनिया पीजीआई बनिया चंडीगढ़ शहर बनिया कि चंडीगढ़ शहर तो कोई इट पट लिया जे ओद कांग्रेस पार्टी का हवाला दिता पीजीआई तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आईआईटी बनिया स्टील प्लांट बने नहरां निकलिया सड़क निकलिया अठ यूनिवर्सिटियां होंदिया सी हिंदुस्तान हजार यूनिवर्सिटियां कांग्रेस की कोशिश मेरा जो बचपन सी बिजली नहीं होंदी सी अज 12 लाख पिंडां च बिजली आई है कांग्रेस पार्टी ने मैं जो मेरा बचपन सी साडे घर तो तुसी भी जानते सर तुसी लीगल डॉक्यूमेंट किया तुसी सारा कुछ किया मैं उस गल का जवाब देने लग्या सीगा भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी थोड़ी मर्जी नाल बनी पर क्या तुसी ओनू लागू करिया आई ही नहीं अगे सर असीं फिर भी खुले हां सर सारे सैक्टर नूं खड़ा करना वह भी बहुत सारे पार्ट ने एक वन ऑफ द इशू है बहुत वड्डे एस्पेक्ट ने असीं इहदे च इसे करके सब तो वड्डी डिमांड रखी सी कि बोर्ड बना दिओ जिहदे विच रेगुलर मीटिंग सारिया आपां साफ कह रहे थोड़ी स्पेशल मीटिंग उत्थे बुला लैणी है थैंक यू लंबा सर हरीश दुआ जी प्लीज 21 साल पंजाब की क्यादत की ही वाज लीडिंग द पंजाब कांग्रेस फॉर 21 इयर्स ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब फॉर 9.5 इयर्स उन्होंने असि मुस्तरद नहीं कर रहे सर प्रेसिडेंट कांग्रेस पर क्या उन्होंने किया ही कहीं कांग्रेस स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट सर रिपीटेडली सर उन्होंने किया ही कहीं सब इस तरह कि एक टाइम आंदा है जो जी पुरानी पीढ़ी होंगी है उन्होंने नवी नस्ल वास्ते रस्ता छड़ना पैंदा रस्ता जवाब सुन लो यार या तो बोल और क्योंकि जी नवी पीढ़ी होंगी है उसकी सोच दे विच एक नवी ताजगी होंगी है टाइम्स किसी दिन मनप्रीत नूं भी तो दुनिया तो चले जाना मैं सारी उम्र मैं थोड़ी इसे बैठा और साडे बच्चों ने आना है हुण टाइम सी कैप्टन साहब की रुखसती का और एक नवी जनरेशन जी है कैप्टन साहब तो चन्नी साहब की उम्र च 20 साल का फर्क है चन्नी साहब इज 58 कैप्टन साहब इज 78 सो ऑब्वियसली अ न्यू सेट ऑफ लीडर्स हैव टेकन ओवर सर सिद्धू साहब कैप्टन साहब सिद्धू साहब ने बधाई हुई है इस तरीके होनी चाहिए सर सर इसे एडवांस दीजिए सर सेंटर जे होंगे नहीं तुसी आओगे पाजी ना दोस्त जिस मकसद मजाक ना करो यार ऐसा तुसी लुधियाने दे हो लुधियाने दे बेहतरी वास्ते करिए काम वो मेरे ना कर लियो बाद चो ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਨੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ 2 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
सब थोड़ी इजाजत ना ते थोड़ी मर्जी नाल आशु जी गुरकीरत जी संजय साहब मेहर साहब सर आपकी इजाजत से आज तो कोई तकरीबन 10 दिन कबल मैं टैक्स डिपार्टमेंट दा कलमदान संभालिया सी और टैक्स डिपार्टमेंट और जेडे टैक्स पेयर्स है पंजाब दे मैं अगले 10 दिनों दे विच जिथे चाहे वह अमृतसर है लुधियाना जलंधर मोहाली बठिंडा मैं तकरीबन सारे सेंटर्स दे विच जाके जो टैक्स